नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विश्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम फिर से देखेंगे आपके ज़ोडियक साइन क्या होने वाला है, बचे हुए 15 दिन जुलाई के कैसे जाने वाले हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप, क्या न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल लाइफ को हम चेक करेंगे। पर्सनल लाइफ में जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए रीडिंग होगी। ओवरऑल लाइफ में अगर आप सिंगल्स के लिए देख रहे हैं या फिर मैरिड कपल अगर आप हैं या करंट पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस, आपके करियर, बिजनेस, आपकी हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में हम कवर करेंगे। सो ये 16 जुलाई टू 31 जुलाई हम चेक करेंगे। इन 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या चेंज आने वाला है और क्या आउटकम होगा इन 15 डेज का, हम ये चेक करेंगे। सो जुलाई मंथ, मैंने पहले बताया था पहले की सीरीज में कि जुलाई मंथ जो है वो स्पिरिचुअलिटी का, फाइनेंस का, अबंडेंस का, लग्जरी का और कर्मा का मंथ है। सो इस टाइम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ या फिर आप अपने लाइफ में कुछ लग्जरी रिसीव करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना, कर्मा सही करना, ये सारी चीज़ें जुलाई मंथ के लिए हैं और हम चेक करेंगे कि क्या कुछ आपके लाइफ में एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप। सो धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी मैं, आपको पेशेंस रखना होगा। सो स्टार्ट करेंगे हम सीरीज विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय डियर स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं 16 जुलाई टू 31 जुलाई आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या गाइडेंस होगी आपकी इस टाइम पे, हम ये चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे आपके पर्सनल लाइफ से जो लोग नो कॉन्टैक्ट में उनके साथ, फिर आपके क्रश की रीडिंग और उसके बाद ओवरऑल लाइफ को हम कवर करेंगे। एंड प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 16 जुलाई टू 31 जुलाई लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। ओके, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टूवर्ड्स 16 जुलाई टू 31 जुलाई डिवाइन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, साइटेरियस। टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 3, 2, 9, 8, 7, 8, 8, 10, 4, 7। ओके, मुझे ये इंसान ओवरऑल लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए, घर परिवार की सारी चीज़ों को पूरा करते हुए दिख रहे हैं, बाकी सबके साथ जस्टिस करते दिख रहे हैं और सबके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपके ऊपर बहुत नज़र है इस इंसान की, भले ही इंसान जो भी कर रहे हैं ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत बिजी है अपने लाइफ में, अपने करियर में, अपने अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर बहुत बिजी है, ऐसा दिखा भी रहे हैं, तो भी इनकी नज़र आपके ऊपर पूरी पूरी है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, फीलिंग्स में ये इंसान चेंज चाहते हैं और चेंज बहुत पैशनेट होना चाहते हैं या फिर पैशनेट इस टाइम रहेंगे इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे एक प्यार का प्रपोजल आपको देना ज़रूर चाहते हैं, या तो सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर आना चाहते हैं आपके पास, ऐसी एनर्जी है। और ऐसी भी एनर्जी है कि ये इंसान एक ही बार आपके पास आना चाहते हैं, समझ रहे ना, एक बार आएंगे और देखेंगे अगर कि चीज़ें सही नहीं हो रही है आपके साथ तो ये और नहीं आएंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है। जहाँ पर पैशनेट है इंसान और आपको कुछ सॉरी बोलना चाहते हैं, फिर आपके पास आकर कुछ यू नो प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बार,
एक बार में अगर आपने ऐसे सही से बात नहीं किया या फिर आपने ईगो दिखाया तो ये इंसान और नहीं आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन एक बार ये आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये आपका प्यार चाहते हैं, इंटेंशन ऐसी है इनकी कि ये एक ग्रोथ, एक स्पीड चाहते हैं इस रिश्ते में, प्यार चाहते हैं। और टू ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इक्वल लव चाहते हैं, है ना, एक सोलमेट वाला कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं इंसान। और मे बी आप बहुत नर्चरिंग नेचर के हैं और ये इंसान चाहते हैं कि आप नर्चर करो इस रिश्ते को, आप इनको प्यार दो, केयर दो, जो पैम्पर आप इनको करते थे वो सब कुछ ये वापस चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसे देख रहे हैं आप और इस रिश्ते में रिस्क नहीं लोगे, अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं, अपनी फैमिली, अपने प्रोफेशन को लेकर आप बहुत कमिटेड हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से पूरे कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। और ये यही यही चाहते हैं ना कि आप एक न्यू बिगनिंग करो, आप कोई ऑफर दो इनको, ये भी चाहते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल में कन्फ्यूजन है, इनको लग रहा है कि या तो ऐसा लग रहा है इनको कि बात करें कि नहीं करें इसको लेके कंफ्यूज है, या फिर अगर आप बात करेंगे तो ये क्या बात करेंगे, फिर कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, या तो ये कन्फ्यूजन है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है। मुझे लग रहा है कि ये बात करना चाहते हैं और नहीं बात कर रहे हैं, या बात नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है और कन्फ्यूज दिख रहे हैं इंसान कि कैसे बात करें, क्या बात करें, कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे कॉल करें, कैसे मैसेज करें। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने ब्लॉक किया था, तो अनब्लॉक कैसे करें और क्या स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें, वैसे वाली एनर्जी है जहाँ पर कन्फ्यूज दिख रहे हैं इंसान। आउटकम जो है ना, वहाँ ये इंसान बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं और डिवाइन से कनेक्ट करते दिख रहे हैं, बहुत सारे क्यों का आंसर चाहते हैं या फिर इस टाइम बहुत सारे क्यों को खोजते दिख रहे हैं, डिवाइन से बहुत सारे क्वेश्चन इनके, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो आई, क्यों वो आया, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, क्यों हम मिले, क्यों हम बिछड़े, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर ये खोजते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे, ओके। और बहुत स्ट्रेंथ में इंसान है, मतलब अंदर से अपने आप को रोक रहे हैं, अपने इमोशंस पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, क्योंकि बात करना चाहते हैं इंसान, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं क्योंकि कम्युनिकेशन की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो बहुत ज़्यादा अपने मन को काबू करते, कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे। सो नहीं जो कर रहे हैं उसमें, जो कंट्रोल ये कर रहे हैं उसमें बहुत स्ट्रेंथ लग रही है, बहुत ताकत लग रही है इनको, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आप इनका वेट कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स लगा लिए, आप वेट कर रहे हो। ओवरऑल लाइफ में भी आपकी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, यू नो, आप सिर्फ वेटिंग पोजीशन में हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। फीलिंग्स में आप चाहते हो कि एक इम्पेशेंट एक्शन आप इनके टूवर्ड्स लो, या फिर इनसे एक्शन चाहते हो आप, या फिर आप एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। आप इनसे एक्शन चाहते हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंटेंशन में आप इनसे डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने और भी रिश्तों को आपने पीछे छोड़ा है और आप आगे बढ़ रहे हैं, या तो आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो या फिर ओवरऑल अपने सारे रिश्तों से आप डिटैच्ड होते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा डिटैचमेंट वाली एनर्जी इस टाइम आपकी रहेगी, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए इस इंसान से, आपको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए इस इंसान से जो कि आपको मिल नहीं रहा है। इंटेंशन में आपकी इमोशनल कनेक्शन है और नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका इंटरेस्ट सारी चीज़ों से ख़त्म हो रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनसे क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इंसान मेंटेन करें, इस रिश्ते को मेंटेनेंस करें, एफर्ट्स लगाएं, जैसे सारे रिश्तों में काम करते हैं इंसान, जैसे सारे रिश्तों को निभाते हैं वैसे इस रिश्ते को भी निभाएं, आप इनसे ये चाहोगे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है, जो खुशियां हैं ना इस रिश्तों की, वो ऑब्स्टिकल है। यहाँ अबंडेंस नहीं दिख रहा आपको, यहाँ खुशियां नहीं दिख रही आपको, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। होपफुल नहीं हो आप इस रिश्ते को लेके, मतलब अगर पहले कोई होप्स थे भी तो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं आपके होप्स, या फिर ये इंसान कोई एक्शन ले रहे हैं जिसके चलते आपकी होप्स खत्म हो रहे हैं। सो ये मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे। आउटकम में आप साइलेंट है, दोनों ही साइलेंट है। आपकी एनर्जी हीलिंग वाली एनर्जी है, जहाँ कन्फ्यूज्ड है कि हील करने के बाद इस इंसान से कनेक्ट करें या नहीं करें, या फिर हील कैसे करें, ऐसा कुछ है जहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड हैं, लेकिन आपकी हीलिंग वाली एनर्जी है। और इस इंसान की अवेकनिंग वाली एनर्जी है, जहाँ ये डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही शांत है, लेकिन अलग अलग तरीके से शांत है, ठीक है। आप बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो माइंड में, ऐसी एनर्जी है। आपको ऑफर चाहिए, ऑफर मिल नहीं रहा है, या फिर आपके पास प्रपोजल एक से ज़्यादा है इस इंसान के सिवा, आपके पास और भी प्रपोजल्स हैं, ऐसी एनर्जी है। और आप कन्फ्यूज़ होंगे इस टाइम कि किसको चांस देना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या फिर किसी और को मौका देना चाहिए, ऐसी एनर्जी। सो मुझे ये दिख रहा है। सो इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आता मुझे नहीं दिख रहा है इस टाइम पे, थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे।
मैम प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स इंटेंशन एक्शन उनके क्रश के लिए क्या रहेंगी 16 July to 31 July प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज क्या बात है सो आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज लियो सैजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है ठीक है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बोल दिया मैंने लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एरीज लियो सैजिटेरियस नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 10, 6, 14, 4, 8, 8 and 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज ये इंसान सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हैं इस रिश्ते की खुशियों के लिए ऐसी एनर्जी इनकी है ठीक है जैसे कि प्रपोज करना सॉरी बोलना मनाना जो भी होता है एक रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब ये इंसान लेना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में खुशियाँ रहे ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी आपकी एनर्जी है कि आप इस इंसान से यूनियन चाहते हो आपकी विश है ये इंसान आप चाहते हैं कि इंसान आपकी लाइफ में आए और कहानी आप लोगों की आगे बढ़े आप ऐसा चाहते हो ठीक है ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं एक स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं सो जो भी इम्बैलेंस चीज़ें हैं इस रिश्तों की उसमें ये बैलेंस चाहते हैं अब ऐसा हो सकता है कि चीज़ें स्टक हैं उस पर एक स्पीड चाहते हैं ऐसा हो सकता है कि किसी में बहुत ईगो हो या फिर जो भी है नेगेटिविटी उसको रिलीज़ करके एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं ऐसा लग रहा है आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं इंसान इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे आपकी एनर्जी आप इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं मतलब आप कैसे बताऊं इस रिश्ते को निभाना चाहते हो इनको इस इनको संभालना चाहते हो इनको पकड़ के रखना चाहते हो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे किसी भी कीमत में इस इंसान को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं ऐसी एनर्जी आपकी है ठीक है ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे यहाँ ऑब्स्टिकल ये है ना कि कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है जो कि ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही दोनों एक दूसरे से मे बी एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने दिन से कि वो प्रपोज करे ऐसी एनर्जी जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है ठीक है और आपके लिए ऑब्स्टिकल ये है कि ग्रोथ नहीं है इस रिश्ते में कभी चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं स्मूथ चलती हैं और कभी बिल्कुल स्टक हो जाती हैं सो क्रश की एनर्जी क्या होती है कहीं देख रहे हैं हम अगर तो रेगुलर नहीं देख पाते हैं अगर बात कर रहे हैं तो रेगुलर बात नहीं कर पाते हैं सो एक ग्रोथ जो नहीं है जो कि आपको ऑब्स्टिकल लग रहा है ठीक है इनकी तरफ से एक कॉल मैसेज रिसीव होता दिख रहा है आपको माई गुडनेस बहुत लोगों को ये रीडिंग देखते देखते में आपके क्रश से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है या फिर ये इंसान प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम आपको ऐसी एनर्जी दिख रही है और बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होगा जो भी लोग इस टाइम जुड़ रहे हैं वृश्चिक राशि के क्रश के साथ मतलब वृश्चिक राशि वाले अपने क्रश के साथ जो जुड़ रहे हैं बहुत इंटेंस कनेक्शन होगा इस टाइम पे ठीक है आप बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस्ड दिख रहे हैं मुझे अपने सेल्फ लव करते सेल्फ केयर करते एक स्पीड एक ग्रोथ आप चाहते ज़रूर है इस रिश्ते में लेकिन वो आपके ऊपर फोकस होगा आप अपनी एनर्जीज पर काम करके मतलब कैसे बताऊँ लाइक जैसे मैं खुश हूँ तो मैं जिसे मिल रही हूँ मैं उसको भी खुशी दूंगी है ना सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे अपनी एनर्जी को आप अच्छे रखना चाहते हो हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है ठीक है सो मुझे इस टाइम वृश्चिक राशि वालों के क्रश से उनको कोई कॉल मैसेज प्रपोजल मिलता दिख रहा है जो कि बहुत इंटेंस होने वाला है इस टाइम पे ठीक है सो यस ये थी आपकी क्रश की रीडिंग अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे वृश्चिक राशि वालों के लिए टाइम प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम डिवाइन उनके बिजनेस करियर फाइनेंस हेल्थ एवरीथिंग क्या कुछ आ रहा है कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे और क्या आउटकम रिसीव करेंगे इन 15 डेज का मेरे वृश्चिक राशि वाले टाइम प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स वन मोर टाइम प्लीज
चांस की एनर्जी है ओवरऑल। नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों 19, 13, 3, 5, 15, 12 and 23। ओके, सो ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आ रही है आपकी। अब ये हीलिंग कहीं भी हो सकती है, आपके हेल्थ में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, कहीं भी। ओके, मुझे यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम, ये 15 डेज थोड़ा सा हैवी लग रहा है, इसलिए ओवरऑल लाइफ में हीलिंग आ रही है। ठीक है, सो डोंट वरी। क्या बात है, जो भी है मुझे यहाँ पे करियर पे भी पेशेंस की एनर्जी दिख रही है, रिलेशनशिप में भी यू नो ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, आउटकम भी मुझे इमोशंस दिख रहे हैं। सो जो भी है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई स्पीड आ रही है, कोई स्टेबिलिटी आ रही है ओवरऑल लाइफ में। सो ओवरऑल लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हैं तो साथ ही साथ सोल्यूशन भी आपको इस टाइम मिलेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर आपको प्रॉब्लम दिखती है, आपको तुरंत से सोल्यूशन भी दिख जाएगा उसका, और आप उसको यू नो बहुत जल्दी आप उस प्रॉब्लम से निकल भी जाओगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे अगर कोई प्रपोजल का आप वेट कर रहे थे वो प्रपोजल दिख रहा है यहाँ पे। कोई सॉरी हो सकता है किसी रिलेशनशिप में, या फिर कोई जॉब का ऑफर हो सकता है, या फिर किसी तरह का कोई ऑफर, कोई बिजनेस पार्टनर का ऑफर या कुछ भी ऑफर मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक स्पीड, एक ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, जो कि आपके कम्युनिकेशन को बता रहा है। सो अगर किसी से कम्युनिकेट करना चाहते थे आप, या फिर किसी किसी भी फील्ड में, किसी भी डायमेंशन में आप स्पीड चाहते थे, ग्रोथ चाहते थे, वो ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है, और एक स्टेबिलिटी दिख रही है। सो टेन ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में सारी विशेष पूरी ज़रूर होंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम्स के साथ होंगी। समझ रहे हो ना, मतलब जो भी आप चाह रहे हैं वो होंगी ज़रूर, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेंगी, जिसको कि आप बहुत ईजीली उस ऑब्स्टिकल से निकल के अपनी डेस्टिनी तक पहुँचोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इस टाइम पे जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, वो चीज़ें आप ज़रूर अचीव करोगे, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स के साथ होंगी, जिससे कि आप बहुत इजीली बाहर निकलोगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हीलिंग एनर्जी इसलिए ओवरऑल लाइफ में आपकी है, समझ रहे हो ना। प्रॉब्लम्स को डील करते हुए आप अचीव करोगे इस बार जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी आपके करियर में दिख रहा है मुझे। सो अगर आप बहुत हार्डवर्क कर रहे थे और आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, या फिर यू नो बहुत मेहनत के बाद आप ये सोच रहे थे कि इस बार आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, या फिर इस बार प्रमोशन मिलेगा, या इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर ऐसा कुछ आप सोच रहे थे, तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। अगर इस टाइम आपको नहीं भी मिल रहा है अप्रिसिएशन, प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट, तो आपको आगे जाके ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड पे दिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो आप सक्सेस के लिए, आप जीतने के लिए आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। मतलब एक योद्धा की एनर्जी आपके करियर में है, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप योद्धा की तरह एक यू नो फाइट करते जा रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको फेस करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, और बहुत स्पीड एक ग्रोथ आपकी दिख रही है करियर में। लेकिन जो आप चाह रहे हैं ना, जैसे कि अप्रिसिएशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है इस टाइम पे। ठीक है, जहाँ आपको ये फीलिंग हो सकती है कि यार इतना करने के बाद भी मुझे, मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है, मिलेगा ज़रूर, क्योंकि डेस्टिनी है आपकी, मिलेगा ज़रूर आपको, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। समय ये आपका नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, ये आपका नहीं है। ये 15 डेज़ के बाद भले आपको अप्रिसिएशन, जो भी आप चाह रहे हैं, इंक्रीमेंट या फिर जो आप ग्रोथ चाह रहे हो करियर में, वो मिलेगा, लेकिन आपको इस टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में मुझे ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, प्लीज़ गाइड। क्यों है ऑब्स्टिकल ड्राइंग, वन मोर टाइम प्लीज। कोई स्टेबिलिटी आप चाह रहे हो, या फिर कोई ऑफर आप चाह रहे हो, जो कि आपको मिल नहीं रहा है, और सिर्फ ऑब्स्टिकल्स ही आप देख रहे हैं। हो सकता है कि इस टाइम बहुत ट्रिगर्स मिले आपको आपके पार्टनर से, ऐसा हो सकता है, और आपको ऐसा लगे कि यू नो खाली ऑब्स्टिकल्स ही हैं और क्लियरिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन यहाँ डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है, जो कि आपको दिख नहीं रही है, आ जरूर रही है। ठीक है, एक डिवाइन लव फील कर सकते हैं इस टाइम आप अपने पार्टनर से, लेकिन वो भी आपको ट्रिगर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ट्रिगर कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको, ऐसी ना चाहिए। सो मुझे ये लग रहा है ना कि स्टेबिलिटी जो आप चाह रहे हैं ना, वो आ रहा है,
आ रहा है फ्यूचर में, मतलब मे बी ये 15 डेज के बाद आप थोड़ा सा हीलिंग फील कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में. जो भी आप चाह रहे हो वो आ रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है. चीज़ें खराब हो रही हैं तो आपको सिर्फ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, सिर्फ आपको खराब चीज़ें दिख रही हैं. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है, आपको भले दिख नहीं रहा है लेकिन आ रही है. आगे जाके फ्यूचर में चीज़ें सही होंगी, स्टेबल होंगी, डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं. ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ सकता है यहाँ पे. इनर वॉइस आपको गाइड करेगी, उसको सुनने की ज़रूरत है. एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है जब आपको कोई क्लियरिटी मिले आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कोई जर्नी का पता चले, या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका है वो पता चले आपको, या फिर कुछ ऐसा जो कि आपको ये समझ में आए कि चीज़ें अभी भले सही नहीं हैं, आगे जाके चीज़ें सही होंगी, आपको ये क्लियरिटी मिले. ठीक है, हेल्थ में जर्नी की एनर्जी दिख रही है. कुछ लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के चलते या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अगर आप कर रहे हैं तो उससे थोड़े बहुत जब आपकी डायमेंशन चेंज होती है तो फिजिकल बॉडी उस डायमेंशन में एडजस्ट करने के लिए प्रिपेयर हो रही होती है. और क्योंकि दोनों डायमेंशन में थोड़ा डिफरेंस होता है, जब आप 3D से 4D में जाते हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हैं तो बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में. सो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, हेयर लॉस, वेट लॉस, या फिर वेट गेन करना, या फिर इचिंग होना बॉडी में, या फिर जॉइंट्स पेन होना, कुछ छोटी मोटी चीज़ें. ठीक है, जो कि मुझे दिख रही है कि बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको चल रही हैं इस टाइम ऐसा, या फिर कुछ लोअर पोर्शन लाइक एब्डोमिनल से कोई रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, या तो एनजाइटी, डिप्रेशन जैसा कुछ हो सकता है आपको. कुछ चीज़ें सरफेस हो सकती हैं आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, अंदर कुछ है जो कि अभी बाहर निकल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है. सो ये जो चीज़ हैं ये मुझे कुछ लोगों के लिए पीरियड में प्रॉब्लम दिख रहा है, फर्टिलिटी में प्रॉब्लम दिख रहा है, एब्डोमिनल इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के, बहुत ज़्यादा कोल्ड कफ हो सकता है, ऐसी ना जी. ठीक है, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है ना, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कंसल्ट करें डॉक्टर से. ठीक है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों के. ठीक है, डाइजेशन में प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होना, या फिर इन या फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम. यस, सो यहाँ पे सरेंडर जो है ना वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है. कुछ चीज़ों को आप सरेंडर नहीं कर रहे हो. ठीक है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको पता है कि चीज़ें जहाँ आपने बहुत मेहनत कर ली, अब सरेंडर क्या है यहाँ पे, आप समझिए कि बहुत आपने मेहनत किया और आपको फल नहीं मिला तो आप मायूस हो गए कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतने अच्छे कर्मा किए और मुझे फल ही नहीं मिला. सो आपको रिजल्ट को सरेंडर करना है, आप सिर्फ एक्शन लें और जो रिजल्ट है उसको सरेंडर करें, जो कि ऑब्स्टिकल है. आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो, रिजल्ट के लिए काम ना करें, आप कर्मा करें, अपने एक्शंस लें, रिजल्ट को सरेंडर कर दें. जब रिजल्ट के पीछे आप बहुत भागते हो ना तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता है. ठीक है, सो रिजल्ट को सरेंडर करें. आप सिर्फ इतना दिमाग में रखें कि कर्मा आप कर रहे हो, एक्शन आप ले रहे हो, रिजल्ट आपको मिलेंगे ही, इतना विश्वास रखें और सिर्फ एक्शन लें, जो कि आप नहीं कर रहे हो. ठीक है, एक्शन लेने हैं जो वो आप नहीं ले रहे हो क्योंकि आपको रिजल्ट की चिंता है और मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए आप डेस्परेट हो रहे हैं. बहुत डेस्परेशन वाली एनर्जी जो है वो लैकिंग एनर्जी को बताती है. सो यूनिवर्स आपकी लैकिंग एनर्जी को जब रिसीव करते हैं वही एनर्जी को मल्टीपल करके आपको देते हैं. सो लैकिंग एनर्जी अगर आपकी है, बहुत मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बहुत डेस्परेट हो रहे हैं किसी चीज़ के लिए, ईगरली आप चाहते हैं कोई चीज़ को, वो मत करें. आपको रिजल्ट हमेशा सरेंडर करना है, एक्शन लें, रिजल्ट को सरेंडर करें. ठीक है, सो कोई क्लैरिटी जो है वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रही है. कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं है यहाँ पे. सॉलिट्यूड में है इस टाइम आप, अवेकनिंग वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, लेकिन वो भी मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है. अगर सॉलिट्यूड में हैं आप, अकेले अगर हैं आप, तो अकेलेपन को एकदम अलोननेस में ना लेकर जाएं, बल्कि उसमें अपनी स्पिरिट के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्शन बिल्ड करें, जो कि मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, सो कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको नॉलेज गेन करना, या फिर कुछ कोर्स करना, कुछ क्लियरिटी में आना ज़रूरी है, जो कि आप नहीं कर रहे हो, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है. एक्शन आप ले रहे हो सिर्फ रिजल्ट के लिए, रिजल्ट को सरेंडर करें और एक्शन लें. ठीक है, मूल मंत्र इस टाइम वृश्चिक राशि वालों के लिए. थोड़े से इमोशंस हाई हो सकते हैं इस टाइम. ओह माय गॉड, ओके, सक्सेस जो आप चाह रहे हो ना वो अगेन वही एनर्जी है जहाँ पे आप सक्सेस के लिए बहुत
यू नो जोरों शोरों से गर्ली आप एक्शन ले रहे हो, और जब आपको नहीं मिल रहा तो तुरंत से आप मायूस हो जा रहे हो। मुझे यहाँ छोटे बच्चे वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे वो दौड़ा है बहुत ज़ोर से और फर्स्ट नहीं हुआ है, और फर्स्ट हुआ भी है तो कुछ यू नो कुछ थोड़े से कुछ इंच के लिए वो चुक गया है और वो जिद में आ गया कि मैं फर्स्ट हुआ हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ आपको ये समझना होगा कि एक्शन आप ले रहे हैं तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, सो जस्टिस के लिए आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। आपको पता है कि आप बहुत एक्शन ले रहे हो लेकिन एक्शन का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट को आपको सरेंडर करना है, सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि रिजल्ट को सरेंडर करना है। ठीक है, चांस आपको मिलेगा ज़रूर, अगर कहीं चूक भी रहे हो आप तो भी आपको चांस मिलेगा, सेकेंड चांस आपके लिए है। और डिवाइन आपको हीलिंग भी सेंड कर रहे हैं, मतलब सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, बस थोड़े से जो कर्मा आपने किए हैं पास्ट में वो आपके पास आ सकते हैं इस टाइम पे, और आपको कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करके उसको सरेंडर करना होगा कि ठीक है ये मुझसे गलती हुई थी, ये मैंने नहीं किया, या फिर आगे से ये मैं नहीं करूँगा ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ गाइडेंस देखते हैं हम, डिवाइन प्लीज़ गाइड। मुझे ये करियर में दिख रहा है आपके जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने बहुत मेहनत की मुझे रिजल्ट चाहिए। सो ये रिजल्ट जो चाहिए वाली ईगरली एनर्जी होती है ना, ईगर कि मुझे चाहिए ही चाहिए, डेस्परेट जो एनर्जी होती है ना, तो फिर वहाँ रिजल्ट दूर भागता है आपसे। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा और सिर्फ कर्मा पे फोकस करना होगा। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, आर्क एंजल यूरियल हैज़ ब्लेस्ड यू विथ अ ब्रिलियंट एफनी। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग, तो मैंने आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आर्क एंजल यूरियल जो है ना, आर्क एंजल यूरियल आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि डिवाइन की एनर्जीज प्रेजेंस है आपकी इस टाइम पे, जो आपकी दुख तकलीफ को दूर करने के लिए आपको हेल्प ज़रूर कर रहे हैं, बस आपको डिवाइन गाइडेंस पे ट्रस्ट करना होगा। जैसे कि सरेंडर की एनर्जी यहाँ पे है तो आपको रिजल्ट को सरेंडर करना होगा। ठीक है, मेक अ डिसीजन, आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस टाइम, एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टूवर्ड्स योर ओन जॉय, यू डिजर्व इट। डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि इस टाइम आपको डिसीजन लेना होगा कि आप किसको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को या किसी और सिचुएशन को आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस जो आपकी खुशियों के लिए, जो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं ना, आपको उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस टाइम, जो कि आपकी खुशियों के लिए है, जो आप डिजर्व करते हो उसके लिए। ठीक है, उसे और गाइडेंस हम चेक करेंगे क्या करना चाहिए मेरे वृक्षिक राशि वालों को। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। हैव कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, बैलेंस, प्रिपेयर्ड। वाओ, ये भी वही एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि बैलेंस क्रिएट कीजिए। जो चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल में आप कर रहे हो उसको आपको बैलेंस करना है। अत्यधिक कोई भी चीज़ खराब होती है, अति है ना, सो अति कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है, सब चीज़ बैलेंस में करें जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और यहाँ पे है गॉडेस, साइकिक, सेक्रेट एंड प्राउड। थोड़ा सा इस टाइम में आपको डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए और डिवाइन गाइडेंस को आपको समझना चाहिए, मानना चाहिए, मतलब फॉलो करना चाहिए। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। लाइक करें वीडियो को, अगर कोई भी गाइडेंस मिली हो वीडियो को शेयर करें अपनों के साथ ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर बार बार आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें और बने हमारे पैरेंट्स और फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।